आज मैं शाम की चाय के साथ बनाने वाला एक स्नैक बनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है चीज पापड़ी। बच्चे भी इसे बहुत दिल से खाते हैं और ये घर में आसानी से बन सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं चीज पापड़ी बनाना। सबसे पहले एक बड़े कटोरे में 2 कटोरी मैदा, 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार, 2 बड़े चम्मच कद्दूकस किया हुआ चीज और 2 बड़े चम्मच तेल डालें और अच्छे से मिला लें। अब इसमें आवश्यकता अनुसार पानी डालें और एक कड़क डो तैयार कर लें और इसे 15 मिनट तक ढककर रख लें। 15 मिनट हो चुकी है। अब तैयार किए हुए आटे में से 1 लोई ले लें और इसे सूखे मैदे में जरा सा लपेट लें और इसे लंबा और पतला ऐसे बेल लें। अब मोल्ड की मदद से ऐसे शेप दे दें। आप चाहे तो कोई भी शेप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ हेक्सागन शेप यूज कर रही हूँ। अब कांटे की सहायता से थोड़े थोड़े अंतर में ऐसे छेद कर लें ताकि ये फूले नहीं और क्रिस्पी बने। ऐसे ही हम सारी चीज पापड़ी तैयार करेंगे। सारी चीज पापड़ी फ्राई करने के लिए तैयार है। अब चीज पापड़ी को गरम तेल में मध्यम आंच पर दोनों तरफ सुनहरा भूरा होने तक फ्राई करें। देखिए, आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी सुनहरी भूरी हो गई है। अब इसे निकाल दें। ऐसे ही हम सारी चीज पापड़ी फ्राई करेंगे। क्रिस्पी, डिलीशियस, टेस्टी और बच्चों की फेवरेट चीज पापड़ी सर्व करने के लिए तैयार है।